अगर आप साइन 0, साइन 30, कॉस 45, टेन 60, कॉट 90 एट्सेट्रा एट्सेट्रा के वैल्यू याद नहीं रख पाते हैं तो आज मैं आपको टेबल बनाने के लिए सिखाऊंगा। और अगर आप टेबल बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आप कभी भी खुद से टेबल बनाकर किसी भी एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और आसानी से आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इस टेबल में आपको 6 कॉलम और 8 रो बनाने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको कोई एंगल एज्यूम कर लेना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एंगल ए एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एंगल ए लिख देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और फिर सेकेंड रो को छोड़ करके थर्ड रो से हम लोग लिखना शुरू करेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड लास्ट में कॉट ए, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि सेकेंड रो में आपको 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन सब में बाई 4 लिख करके उस पर ओवर रूट लगाना है, बाई 4 ओवर रूट, 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 ठीक है। अब क्या करना है कि इनके वैल्यू फाइंड करने हैं। अंडर रूट 0 बाई 4, इनके वैल्यू क्या होंगे, 0। तो साइन 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और फिर 1 बाई 4 ओवर रूट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। तो फाइनली साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2, ठीक है। और फिर अंडर रूट 2 बाई 4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2। तो फाइनली साइन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2। और फिर √3/4 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2। तो फाइनली साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2। और फिर अंडर रूट 4/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1। तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से सभी एंगल के लिए साइन हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग कॉस फाइंड करेंगे। तो कॉस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अब हम लोग कि साइन के वैल्यूज़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू करेंगे। तो कॉस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 के इक्वल, साइन 90 में 1 है तो 1 लिखेंगे, और मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना शुरू कर देंगे। √3/2 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3/2, और 1/√2 यहाँ पर सेम रहेगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0, ठीक है। तो इस तरीके से साइन और कॉस क्लियर है। अब टेन लिखने के लिए क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला होता है, टेन टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन ए बाई कॉस ए करके हम लोग टेन ए आसानी से फाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन ए भी है, कॉस ए भी है, आसानी से टेन हम लोग फाइन कर सकते हैं। तो टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0/1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और फिर 10/30 क्या हो जाएगा, साइन 30/cos 30, 1/2 होल बाई में क्या, √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। और फिर 10/45 फाइन करने के लिए क्या, 1/√2 होल बाई में 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1। तो 10/45 इक्वल्स टू 1। उसके बाद फिर 10/60 करने के लिए क्या, साइन 60/cos 60, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। और 10/90 करने के लिए साइन 90/cos 90, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 करेंगे तो 0 से कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड,
ठीक है। और जब साइन कॉस टेन फाइंड कर लिया हम लोगों ने, तो अब कॉसेक से कॉट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, जीरो का रेसिप्रोकल, वन बाई जीरो, तो ये होगा नोट डिफाइन। ठीक है। और फिर कॉसेक 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1, तो बाई वन का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 2। ठीक है। और फिर कॉसेक 45 करेंगे तो क्या, 1/√2, तो क्या हो जाएगा, ये √2। और कॉसेक 60, तो साइन 60 का रेसिप्रोकल √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। और फिर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और फिर इस तरीके से फिर सेक का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल करके। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और फिर 1/√2 का √2 ही होगा। और फिर इधर क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे 1/2 का रेसिप्रोकल यहाँ पर हो जाएगा 2, और फिर 0 का रेसिप्रोकल नोट डिफाइन। ठीक है। और फिर कॉट, कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल, तो 0/1, तो 1/0, ये नोट डिफाइन। ठीक है। और फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3 का 1/√3, और फिर नोट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। तो इस तरीके से पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको टेबल बनाने के लिए आ गया है, और अब आसानी से आप अपना काम निकाल सकते हैं। और अब हम लोग यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।